आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि आम फलों का राजा होता है, और आपके दिमाग में ये बात कभी ना कभी तो आई ही होगी कि आम ही फलों का राजा क्यों है और कोई और फल क्यों नहीं। तो इसकी वजह और ऐसे ही कई शॉकिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एलोन मस्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। दरअसल वो इन कंपनीज को हैंडल करने के साथ ही एक्स्ट्रा नोवा नाम का एक नो प्रॉफिट स्कूल भी चलाते हैं, जिसमें सिर्फ 7 से 14 साल की उम्र के बच्चे एक साथ बिना क्लास डिवीजन के साइंस की क्लासेस लेते हैं। और इस स्कूल में खुद एलोन मस्क के बच्चे और स्पेस एक्स के एम्प्लॉयज़ के बच्चे भी पढ़ते हैं। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का ये फैक्ट आपको हैरान कर देगा। वो ये है कि 90s के ज़माने में मिथुन चक्रवर्ती को डस्टबिन में एक अनाथ बच्ची मिली थी, जिसे उन्होंने एडॉप्ट कर लिया था और उसका नाम दिशानी चक्रवर्ती रखा, जिसकी देखभाल मिथुन दा ने अपने 3 बेटे महाअक्षय, उसमें और नमासी के साथ की। और अब दिशानी 29 साल की हो गई है। आपने दुबई के कई लग्जरी डेस्टिनेशंस के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल। लेकिन बुर्ज अल अरब नाम का 5-स्टार होटल काफ़ी हटके है, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी 56 मंजिला इमारत है जो कि दुबई के जुमीरा बीच से 280 मीटर दूर समुद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनी है, और इस आइलैंड को बीच से एक प्राइवेट ब्रिज जोड़ता है। ये असल में 5-स्टार होटल है, लेकिन ये इतना शानदार है कि लोग इसे दुनिया का एकमात्र 7-स्टार होटल मानते हैं। जब भी आप किसी देश के लोगों के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में उस देश में रहने वाले लगभग हर एज के लोग याद आते होंगे, जिनमें मेनली जवान होते होंगे। लेकिन अगर बात असल ज़िंदगी की करें तो नाइजर नाम का एक अफ्रीकन देश ऐसा है जिसमें लगभग 50% लोग 15 साल की उम्र से कम के हैं, यानी इस देश के आधे लोग तो बच्चे ही हैं। गर्मियों के मौसम में आम खाते हुए आपके मन में ये बात तो आई होगी कि आमों को फलों का राजा क्यों कहते हैं, और भी तो कई फल हैं, तो फिर आम ही क्यों बना फलों का राजा। तो सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि आम को फलों का राजा सिर्फ भारत में ही कहा जाता है। जी हाँ, सिर्फ भारत में ही, क्योंकि ये भारत का नेशनल फ्रूट है और भारत में ही दुनिया के सबसे ज़्यादा आम उगते हैं। और आम को राजा कहने का मेन रीज़न इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्योंकि आम के अंदर सेहत के लिए फ़ायदेमंद कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे फाइबर, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम।